स्वागत दोस्तों, मैं शिवम अपने YouTube चैनल कैप्टन शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाला हूं अपने जियो सिम की इंटरनेट स्पीड को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर तो आप भी अपने मोबाइल फोन के अंदर जियो सिम का यूज करते हो और आपकी भी यही प्रॉब्लम है कि आपकी एरिया में या आपके घर पर आपका इंटरनेट स्पीड नहीं पकड़ता, यानी कि बहुत ही स्लो चलता है, आप कुछ भी देख नहीं पाते हो, आपका पूरा का पूरा डाटा ऐसे ही पूरा का पूरा शाम तक वापस चला जाता है, तो दोस्तों आप अपने जियो सिम की इंटरनेट स्पीड को आप कैसे बढ़ा सकते हो यही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। 3 ऐसी अल्टीमेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि बात है इंटरनेट स्पीड इंक्रीज करने की, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए आपको भी पता चल जाएगा। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बता दिया, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 अल्टीमेट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले सेटिंग वो दोस्तों आपको कहां पे मिलेगी। इसके लिए आपको करना क्या, अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में जाना है। जैसे अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाने के बाद यहां से आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद यहां से आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन, या तो आप यहां पे सर्च कर सकते हो। जैसे तो आप यहां पे सर्च करोगे मोबाइल नेटवर्क, तो आपको करना क्या, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको वो सिम देखने को मिल जाएगी जिस सिम से आप इंटरनेट चलाते हो, यानी कि आपके मोबाइल फोन के अंदर दो सिम पड़ी हुई हैं, तो आपको यहां पे दो सिम देखने को मिलेगी। अब तो आपको वो सिम चूज करना है यहां पे जिससे आप इंटरनेट चलाते हो अपने मोबाइल फोन के अंदर। तो मैंने यहां पे जियो सिम से मैं इंटरनेट चलाता हूं, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। जैसे दोस्तों आप उसी सिम पर क्लिक करोगे जिससे आप इंटरनेट चलाते हो, उसके बाद यहां से आपको बहुत सारा सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले सेटिंग आपको यहां पे क्या देखना है, क्या करना है, वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा परफेक्टेड नेटवर्क टाइप, आपको करना क्या, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको ये चेक करना है कि कहीं आपका मोबाइल फोन का जो नेटवर्क है, यानी कि आपका नेटवर्क सेटिंग है, वो कहीं 3G पे नहीं लगा या 2G पे तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि इस पे लगा होगा तो आपके मोबाइल फोन की इंटरनेट स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती, कभी भी इंटरनेट स्पीड नहीं पकड़ेगा, क्योंकि 3G और 2G यानी कि आपके मोबाइल फोन के अंदर कभी भी 4G नेटवर्क नहीं आएगा, तो ऐसे आपका मोबाइल फोन का नेटवर्किंग प्रॉब्लम बनी रहेगी। और किसी भी वीडियो को यूट्यूब या तो आप फेसबुक कहीं पर भी चलाओगे तो आपके मोबाइल फोन के अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम बनी रहेगी हमेशा के लिए। तो आपको करना क्या, यहां से आपको देखने को मिलेगा प्रिपेयर LTE, तो आपको करना क्या, सबसे फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलेगा LTE, तो आपको करना क्या, इस पर आपको क्लिक कर लेना और दोस्तों आपको यहां पर सेव करना। ये दोस्तों आपको सबसे पहले सेटिंग करना, यानी कि चेक करना है। चेक करने में दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि हमारा मोबाइल फोन का जो नेटवर्क सेटिंग है कहीं वो 2G पे तो नहीं सेट है या 3G पे तो नहीं सेट है, तो यहां पे आपको LTE पे सेट कर लेना। आपको दूसरी सेटिंग इसको यहीं पे मिलेगी, इसके लिए आपको करना क्या, मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद यहां से आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट नेटवर्क ऑटोमेटिकली, तो आपको करना क्या, यहां से आपको ये आपके मोबाइल फोन डिसेबल होगा तो आपको दोस्तों इसे इनेबल करके रखना है हमेशा के लिए। आपको इसे इनेबल कर दोगे तो इससे क्या होगा कि हमेशा ऑटोमेटिकली, यानी कि गलती से भी आपके मोबाइल फोन के अंदर 2G नेटवर्क आने लगता है या 3G नेटवर्क आने लगता है, तो आप ऑटोमेटिक ये 4G पे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, यहां से आपको देखने को मिलेगा ऑटोमेटिकली, और यहां से 4G सिम यानी कि जियो 4G पे ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं तीसरी सेटिंग जहां से अपने इंटरनेट स्पीड को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि वो सेटिंग आपको यहीं पे मिलेगी और यहां से आपको देखने को मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम यानी कि APN, उस सेटिंग का शॉर्ट का नेम है APN। तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसे न्यू APN के सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जहां से अपने मोबाइल फोन की इंटरनेट स्पीड को आप इंक्रीज कर सकते हो, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्पीड पकड़ना शुरू कर देगा आपका मोबाइल फोन। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नेम आपको करना क्या, APN पे आपको क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां से आपको वही डिफॉल्ट APN देखने को मिलेगा। तो यहां पे आपको मैं एक ऐसा न्यू APN के बारे में बताने वाला हूं, तो वो दोस्तों आपको यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पे आपको वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो मैं आपको यहां पे स्मॉल लेटर में डालूंगा या कैपिटल लेटर में डालूंगा तो वही दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर डालना है, तभी आपका APN एक नया क्रिएट होगा। तो यहां से देखने को मिलेगा न्यू APN, या दोस्तों आपको यहां पे प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको टच कर देना। जैसे तो आप इस पे टच करोगे तो इस तरह का आपके सामने एक फॉर्म तरीके से आ जाएगा। तो यहां पे आपको क्या भरना है वही मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूं, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यहां पे आपको क्या डालना पड़ेगा, तो यहां पे आपको नेम में डालना है जियो इंटरनेट, जहां पे दोस्तों आपका जियो यानी कि जी कैपिटल में रहेगा जियो, उसके बाद आपका आई कैपिटल में रहेगा, यानी कि आपको यहां पे ध्यान से देख लेना है। इस तरह से आपको यहां पे फिलअप करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां से आपको देखने को मिलेगा APN, तो आपको करने के APN पे आपको क्लिक करना और यहीं पर भी आपको ध्यान से देख लेना कि आखिरकार यहां पे हमें क्या फिलअप करना पड़ेगा, और जैसे मैं यहां पे लिखूंगा उसी तरीके से आपको भी वहां पे अपने मोबाइल फोन के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल में आपको जियो, उसके बाद इसी में आपको स्लैश का यानी कि आपको यहां पे स्लैश नहीं करना है, यानी कि यहां पे आपको स्पेस नहीं देना है, जियो नेट आपको लिख देना है और यहां से आपको ओके कर देना है। इतना काम करने के बाद यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, नीचे आने के बाद यहां से आपको देखने को मिलेगा प्रॉक्सी पोर्ट यूजर नेम पासवर्ड सर्वर MMSC और यहां से MN प्रॉक्सी का ऑप्शन, यानी कि यहां पे आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। और नीचे आने के बाद यहां से आपको देखने को मिलेगा MCC का ऑप्शन, यानी कि यहां पे भी आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि ये आपके एरिया कोड होते हैं, आप यहां पे छेड़छाड़ करोगे तो आपके मोबाइल फोन के अंदर कभी भी इंटरनेट स्पीड नहीं इंक्रीज,
होगा यानी कि इंटरनेट स्पीड कभी भी नहीं पकड़ेगा। तो ये दोस्तों आपको एरिया कोड कभी भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपको नीचे आने के बाद यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एपीएन टाइप, यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा एपीएन प्रोटोकॉल का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देख लेना, यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर तो आपके मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा IPv4 और यहाँ से देखने को मिलेगा IPv6, तो यहाँ पे आपको दोनों को सिलेक्ट करना, यानी कि आपको तीसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो आपके मोबाइल फोन के अंदर कभी इंटरनेट पकड़ेगा कभी नहीं पकड़ेगा। तो यहाँ से आपको दोनों आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बैक करना है, बैक करने के बाद यहाँ से आपको एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहीं पर आपको थर्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना। इतना काम करने के बाद आपको नीचे आने के बाद यहाँ से आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना, छेड़छाड़। अब दोस्तों आपको ये एपीएन पूरा का पूरा क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 3 डॉट का ऑप्शन, ये दोस्तों आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नहीं से आपको करना क्या, सेव पे क्लिक करना। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको इंटरनेट यानी कि यहाँ से एक एपीएन क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जियो इंटरनेट, जो आपने अपना नाम डाला था एपीएन के अंदर वही आपको यहाँ पे एपीएन देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या, इस पर एक बार आपको क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ये चलना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या, अपने मोबाइल फोन को एक बार रिबूट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको अभी देखने को मिलेगा अभी आपका इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका इंटरनेट चलना स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या, अपने मोबाइल फोन को एक बार आपको रिबूट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से देखने को मिलेगा रिबूट का ऑप्शन, तो आप एक बार यहाँ से टर्न ऑफ करोगे और यहाँ से फिर से अपने मोबाइल फोन को टर्न ऑन करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट स्पीड कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। आपको विश्वास नहीं होगा कि यार ये सेटिंग हमें पहले पता चल रही, तो मैं पहले ही अपने मोबाइल फोन के अंदर इस सेटिंग को अप्लाई कर लेता हूँ। तो आशा करूंगा ये वीडियो को बहुत ही पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।